बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं। यहाँ पे बन रहा जी KFC चिकन। ये मैंने चिकन लिया है, एक मुर्गी है तकरीबन 1.5 से 2.25 किलो की ये मुर्गी है। उसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, पीस भरे थे मैंने धोने के बाद ख़ुद से, ने इसके छोटे पीस इस तरह कर लिए। छोटे पीस ईजीली गल भी जाते हैं और ना खाने में भी ईजी रहते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, ये सारी चीज़ें, और 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये हम लगा के इनको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखें जी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चिली सॉस, बाकी चीज़ें मैंने लगा दी हैं, ये भी लगा देंगे। अच्छे तरह से ना इनको मिक्स कर लेंगे और इनको रख देंगे फ्रिज में। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। 1/2 किलो हमने ले लिया मैदा। अब बारी आती है चिकन फ्राई करने की। 1 टीस्पून इसमें डाल दिए काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। अच्छी तरह से इनको कर लेंगे मिक्स। हमने लिया घी, ऑयल नहीं घी लिया, घी हमारा गर्म हो गया है बिल्कुल, हल्की आंच पे हमने घी को रखा था और अब गर्म हो गया है। चिकन को हमने फ्रिज से निकाल लिया, अब इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स फिर से। एक बाउल के अंदर हमें चाहिए पानी और 2 चाहिए हमें टोकरियाँ, छोटी टोकरियाँ। ये जी, ये 2 टोकरियाँ हमारे पास पानी ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरह से चिकन को हम लेंगे, 5 से 6 बोटियाँ ले लेते हैं इस तरह से मिक्स ही, कुछ हड्डी वाला है और कुछ बोनलेस। इस तरह से इसको अच्छे से हमने ना कोडिंग करनी है मैदे की, दबा दबा के इस तरह से ना हम इसको कर लेंगे। इस तरह से एक टोकरी लेंगे खुश्क, टोकरियाँ तो अभी फिलहाल दोनों खुश्क हैं। इस तरह से इसको डालेंगे दूसरी टोकरी के अंदर, वो टोकरी उधर ही छोड़ देंगे, इसको करेंगे पानी के अंदर डिप। बस एक बार फिर, और 2 से 3 बार इस तरह से छंड लेंगे और फिर इसको डाल देंगे मैदे के अंदर। टोकरी को छोड़ देते हैं पानी के अंदर, पास ले इधर इस तरह से। किचन में इधर उधर मैदा गिरता है, घबराना नहीं है। जब अच्छा खाना हो, साफ सुथरा खाना हो, तो फिर थोड़ी सी किचन में मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें इस तरह से। अब हम थोड़ा थोड़ा सा चिकन डाल लेते हैं क्योंकि टोकरी हमारी छोटी है, अगर आपके पास बड़ी टोकरी है तो वो एक दफ़ा ही सारा चिकन इसमें डल जाएगा। अब हमें इस तरह से करके इसमें जो खुश मैदा सारा निकाल देना है, ये देखें इस तरह से।
ये देखें सारा माशाल्लाह से, और ये देखें कितना अच्छा हमारा चिकन जो है वो इसको कोटिंग हो गई है, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा केएफसी चिकन बनता है। अब हम इसे डालेंगे ऑयल में, घी के अंदर बहुत ही आराम से छोड़ेंगे इस तरह से, ताकि जो छींटे हैं ना वो हमारे ऊपर ना आए। आग हम अब हमने कर दी मीडियम, हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो चिकन ऊपर से सारा जल जाएगा। ये भी सारा डाल देते हैं। ये देखें जी, अब सेम स्टेप वही बार बार दोहराएंगे। पहले चिकन को मैदे में डालेंगे, अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे, फिर पानी में डिप करेंगे, फिर इसमें डालेंगे खुश्क टोकरी में डाल के ऑयल में डाल देंगे। कैमरा हम इधर ले आए हैं। अब हम इसकी एक दफ़ा साइड चेंज कर देंगे, बार बार इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। सारे चिकन की तरह से हम साइड से लेते हैं। ये लें जी, बहुत ही प्यारा कलर आ गया गोल्डन, के एफसी हमारा हो गया रेडी। अब हम ये निकाल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से सारा चिकन फ्राई कर लेते हैं। ये लें जी, मज़ेदार सा केएफसी चिकन हमारा हो गया रेडी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई ये निकल निकल, अच्छा शान शून सब कर ले।